हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो समरसेट और नॉटिंघमशायर के बीच में फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा इंग्लिश T20 ब्लास्ट कप का, और साथ ही में हम बात करने वाले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना जिससे आपकी कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगी। अगर आपने कोई भी न्यूज़ मिस नहीं की तो आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। और आप जानते हो ड्रीम 11 में आगे बहुत सारे मैचेस खेल जाएंगे, तो अगर आपको इन सारे मैचेस के कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डग आउट ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी और आपको रेफर कोड भी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफर कोड के साथ इस ऐप में साइनअप करोगे तो आपको 50 रुपये का इसमें कैश बोनस मिलने वाला है। ये 50 रुपये का इसमें कैश बोनस आपको तभी मिलेगा जब आप अपना फ़ोन नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आप वेरीफाई करा लोगे तो आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। और आप इस 50 रुपये के कैश बोनस के साथ कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना 100% इसमें कैश बोनस यूज़ कर सकते हो। और इस ऐप में आप किसी भी मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो। हम बात करने वाले हैं जो समरसेट और नॉटिंघमशायर के बीच में फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम बनाने वाले डग आउट की टीम। तो मैंने अपनी टीम में एलेक्स हेल्स को पिक किया है, इशोडी, कोरी एंडरसन, डेनियल क्रिश्चियन, समित पटेल, स्टीवन डेविस, लेविस जॉर्ज, जेम्स हाइड्रेथ, लुक फ्लेचर, जैक लीबी और स्टीवन मुलानी। तो इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपने टीम में पिक किया। तो इस तरीके से आप इस टीम में, इस ऐप में जो है 11 प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो। जैसे हम ड्रीम 11 में देखते हैं कि हमें सिर्फ एक ही विकेट कीपर पिक करना होता है, लेकिन आप इसमें दोनों ही टीमों के विकेट कीपर पिक कर सकते हो। आप जितने मर्जी चाहो इस ऐप में आप बैट्समैन को पिक कर सकते हो, जितने मर्जी चाहो ऑलराउंडर को पिक कर सकते हो, और जितने मर्जी चाहो आप इस ऐप में बॉलर्स को पिक कर सकते हो। याद है आपको सिर्फ इस ऐप में 11 प्लेयर्स ही पिक करने हैं और बाकी आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। आप एक टीम के इस ऐप में 7 प्लेयर को पिक कर सकते हो, चाहे वो 7 बॉलर हो या चाहे 7 बैट्समैन हो या 7 आप ऑलराउंडर को अपनी टीम में पिक करो, वो आपके ऊपर है। अब हम आगे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो आपको इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन पिक नहीं करना है। जैसे हम एलेक्स हेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, सिल्वर प्लेयर, गोल्ड प्लेयर और प्लेटिनम प्लेयर। अगर आप सिल्वर प्लेयर पे क्लिक करोगे तो आपको 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले, जैसे हमें ड्रीम 11 में वाइस कैप्टन के मिलते हैं। गोल्ड प्लेयर पे क्लिक करोगे तो आपको 2 गुना ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले, और अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम प्लेयर पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें 3 गुना ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे एलेक्स हेल्स के लास्ट के कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना होगा। रिसेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो एलेक्स हेल्स के लास्ट के 10 इनिंग के रिसेंट के परफॉर्मेंस सारे आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर जो है किस फॉर्म में है और आपको प्लेयर्स को पिक करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इस ऐप में टीम बना सकते हो और आप इसमें गोल्ड प्लेयर, प्लेटिनम प्लेयर और सिल्वर प्लेयर, इन इस तरीके से आप इसमें समझ लो कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे करना होगा टीम को सेव। और बात करते हैं हम लीग्स के बारे में। तो अभी इस ऐप में स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए ये दोनों लीग इसमें ओपन है, तो आप इन दोनों लीग को ज्वाइन कर सकते हो और आप इसमें अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस ऐप में कोई भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही कम कंपटीशन जिससे आपको विन करने में आसानी होगी। 100% लीगल ऐप आप इसमें खेल सकते हो और अच्छा अमाउंट आप विन कर सकते हो। मेरे कहने से आप एक बार इस ऐप में 100-200 रुपये डिपोजिट करो, मुझे उम्मीद आप इसमें कम डिपॉजिट करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके विड्रॉ करोगे। इस ऐप के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम 11 की टीम के बारे में, साथ ही में हम बात करने वाले हैं डाउटफुल प्लेयर के बारे में जो आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन की। तो आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं, स्टीवन डेविस, टॉम मुरेस और टॉम बेंटन। तो आपको टॉम बेंटन को पिक नहीं करना। स्टीवन डेविस और टॉम मुरेस ये दोनों आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। मैंने अपनी टीम में टॉम मुरेस को पिक किया। अगर आप चाहो तो स्टीवन डेविस को भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। हम बात करते हैं वहीं बैट्समैन सेक्शन की। तो मैंने यहाँ पे एलेक्स हेल्स को पिक किया है, जेम्स हाल्डरथ को पिक किया है, कोरी एंडरसन को पिक किया। ये तीनों बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, इसलिए मैंने अपनी टीम में इन तीनों को पिक किया। फोर्थ बेस्ट में मैंने पिक किया यहाँ पे जैक लीबी, जिससे हमारा जो क्रेडिट भी है वो भी मेंटेन हो जाएगा और जैक लीबी भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। तो इन 4 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। मैं ट्रेंट शो को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो है माइबर्ग,
पीटर ट्रेगो और टॉम एबेल, ये तीनों आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। इन तीनों में से आप कोई भी प्लेयर अपनी टीम में पिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेन ग्रीन को पिक नहीं करना, क्रिस नेस को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, क्रिक की वेसल्स आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, इन्हें आप अपने टीम में पिक कर सकते हो। और अगर मैं सेफ ऑप्शन की बात करूँ तो आपके लिए कोई भी सेफ ऑप्शन है नहीं, तो आपको किसी भी प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक नहीं करना है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यानी मैंने यहाँ पे डेनियल क्रिश्चियन, लेविस और स्टीवन मुलानी, तो इन तीन ऑर्डर को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके लिए रिलोफ वेंडर मार्वे का एकदम सेफ ऑप्शन है, लेकिन इनका जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत ही नीचे, तो ये आपको सिर्फ बॉलिंग में पॉइंट दिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में इनको ड्रॉप किया लिया नहीं है। समित पटेल की बात करें तो ये बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैटिंग अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में समित पटेल को पिक नहीं किया। अगर आप एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अपनी टीम में समित पटेल को पिक कर सकते हो, और टीम रोज को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। हम बात करते हैं वहीं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पर तीन बॉलर को पिक किया, हैरी गुड ने मिक्स बॉलर, और मैंने अपने थर्ड बॉलर को पिक किया इशोडी, बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर बॉलर, तो इन तीन बॉलर के साथ मैं इस गेम में खेलने वाला हूँ। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो आपके पास टीम का ऑप्शन नहीं है, टेलर का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, टेलर को आप अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। और अगर मैं सेफ ऑप्शन की बात करूँ तो आपके लिए लुक फ्लेचर का एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला, और कोई भी आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो किसी भी बॉलर को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बात अलग है। तो हम करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन का डेनियल क्रिश्चियन को, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, और वाइस कैप्टन मेरे कहा लेविस को, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। हम करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, मैं इसी टीम के साथ ड्रीम 11 में खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी तरफ से चेंज करना चाहते हो तो आप एलेक्स सेल्स को कैप्टन रख सकते हो, बहुत ही अच्छी चॉइस है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में। या आप कोरी एंडरसन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं लेकिन अगर बॉलिंग कराते हैं तो आपको बॉलिंग में भी अच्छे खासे ये पॉइंट दिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में चेंज कर सकते हो। स्टीवन मुलानी भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस इस मैच में रहने वाली है। तो इस तरीके से आप इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हो, और खुद से भी आप इस टीम में एक दो प्लेयर्स अपनी तरफ से चेंज जरूर से करना, ताकि आपका थोड़ा नॉलेज है वो भी आपके साथ हो और आप इन ड्रीम 11 में अच्छा विन कर सको। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।